हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था। और मैं आशा करता हूं कि आपने वो प्रीवियस वीडियो को देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको आई बटन लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके या मेरे चैनल में जाके भी, आप सब प्लेलिस्ट में जाके भी आप वीडियोज़ को सर्च करके देख सकते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक है, इसमें हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इन टॉपिक्स को पढ़ने से आपकी जो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होने वाली उसको फोकस में रखते हुए आंसर्स को उस तरह से पैटर्न में सजाइएगा ताकि आपको इजीली कॉन्सेप्ट में समझ में आए और आप इसको आराम से क्वेश्चन कॉपी में या आंसर शीट में लिख सकें। ठीक है बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक है उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। मैं डायरेक्टली टॉपिक में चले जाऊंगा क्योंकि पिछले वाली वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने इनको पूरा रीड आउट कर लिया है, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे क्या क्या कंटेंट है। इन कंटेंट के हिसाब से मैं आपको टू दी पॉइंट जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहीं पे हिट करूँगा। जो टॉपिक मैं बोलूँगा उस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़िएगा और आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। बिना टाइम को ज़ाया किए हम इसको शुरू करते। देखिए बच्चों, यहाँ बताया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट। पहली बात है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट में आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप मान लीजिए घर में कोई बर्तन में कोई भी चाय उबाल रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर आपने चम्मच डाल दिया है, चम्मच भले ही दूध में डिप ना हुई हो, जिस जगह से हम उसको पकड़ते हैं वो भी गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रही है। अब ये ट्रैवल कौन से डायरेक्शन से होती है, किस जगह होती है, इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ समझ रहे हैं। मान लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे एक लोहे का रॉड लिया है। इस लोहे के रॉड में इस लोहे के रॉड में उन्होंने सिंपल सी दो चीज़ें देखी। यहाँ पे जो डिफरेंट आप देख रहे हैं ये उनके कुछ वैक्स हैं जिसे मोम कहते हैं, राइट। और उन्होंने इस जगह पे इसको हीट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे इन्होंने हीट करना स्टार्ट किया। जैसे इन्होंने इस पॉइंट में हीट करना स्टार्ट किया, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि धीरे धीरे करते जो सबसे पहला था वो पिघल गया, उसके बाद ये पिघला और धीरे धीरे करते ये पूरा पिघल रहा है। यानी क्या हो रहा है, हीट इस जगह से इस जगह ट्रांसफ़र हुई थी। इसका मतलब यहाँ पे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हीट जो है वो हॉटर एरिया से, याद रखिएगा इसको, हीट जो है वो हॉटर एरिया से कोल्डर एरिया में जा रही थी, कोल्डर एरिया में जा रही थी। यही जो कोल्डर एरिया है, वो जो मैंने दूध का चम्मच कहा था, ये मान लीजिए आपका वो बर्तन है जो फायर में रखा हुआ है, ये बर्तन है, ये यहाँ पर फायर जल रही है, ठीक है, और यहाँ पर दूध है। आप यहाँ पर इस बर्तन को जब, इस चम्मच को जब डिप करते हैं, ये मान लीजिए चम्मच है, चम्मच को जब आप डिप करते हैं, ये वाली पार्ट तो अंदर होती है लेकिन ये वाली पार्ट क्या होती है, जस्ट ये होती है हॉट पार्ट और ये होती है कोल्ड पार्ट। तो जैसे मैंने कहा, हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट पे हीट ट्रांसफ़र होती है, इसी पार्ट को हम कहते हैं कंडक्शन। बच्चों देखिए यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा हुआ है जो मैंने कहा, कंडक्शन किसे कहते हैं, कंडक्शन वो प्रोसेस है जहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड द कंडक्शन। और सॉलिड में ये कंडक्शन सबसे ज्यादा होता है, जो कि हम कह सकते हैं हॉट से कोल्ड एरिया में जाना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। चलिए इस टॉपिक में आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज़ बताई गई कि हमने अभी तो कह दिया कि जो कंडक्शन है वो कंडक्शन हमें दो जगह पे काम आती है। पहली जगह क्या है, पहली जगह आपकी है कि वो सॉलिड में काम आती है, राइट, हमने ऊपर कह दिया। लेकिन क्या सारे सॉलिड में ये काम आती है, जरा देखते हैं। जो हम सॉलिड में अगर इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें दो टाइप्स मिलती हैं, एक होती है कंडक्टर्स, जिसे हम कंडक्टर्स कहते हैं, इसे कहते हैं इंसुलेटर्स। बच्चों ये वो बस वाले कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर कहेगा, INSULATOR, ये इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर। ये बस वाले कंडक्टर नहीं है, इसे कंडक्टर कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम देखते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसे कहते हैं कंडक्टर। या फिर हम कह सकते हैं ये हीट को पकड़ती नहीं है, यानी इसके बैड कंडक्टर है ये, ठीक है, ये पास करने देती नहीं हीट को, तो उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ द, जिसे हम कहते हैं पास करने देती नहीं है, माफ़ कीजिए बच्चों, मैंने थोड़ा गलती कर दी आपको, जो हीट को पास करने देती है उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर, यानी ये गुड कंडक्टर होते हैं जो पास करने देते हैं, लाइक कोई भी मेटल्स, ठीक है,
कोई भी मेटल स्पून या कोई भी आप रॉड ले लीजिए, जैसे आयरन, कॉपर, जो क्या करती है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। बल्कि इंसुलेटर वो होते हैं, लाइक वुड कह लीजिए या फिर आप प्लास्टिक कह लीजिए, जो कि आपका हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में रोकते हैं, ये ट्रांसफ़र करने नहीं देते हैं। इन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे ऊपर एक क्वेश्चन था व्हाट इज कंडक्शन, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू मीन बाय इंसुलेटर्स एंड व्हाट डू मीन बाय कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कौन है, जैसे जो कि है, जो आपके डू नॉट अलाउ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डू नॉट अलाउ करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं किसी भी हीट को पास करने में थ्रू द दैट ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं हम इंसुलेटर्स। यानी इंसुलेटर वो हो गए जो ट्रांसफर करने नहीं देते हैं, और कंडक्टर वो हो गए जो ट्रांसफर करने देते हैं है। बच्चों इसके अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ बताया कि अगर हमने ये चीज़ देख लिया कि कुछ ऑब्जेक्ट ही ऐसे हैं जो मीडियम के माध्यम से, मतलब वो मीडियम ही है जिसके कारण वो हॉटर से कोल्डर एरिया में जा रहे हैं, अगर वो कंडक्टर्स हैं, और इंसुलेटर में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि वाटर और एयर जो है ये दोनों ही कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन बात ये है पोअर कंडक्टर हीट होती है, यहाँ पे याद रखिएगा ये पोअर कंडक्टर हीट होती है। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर वाटर और एयर पोअर कंडक्टर हीट होती है तो हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन द सब्सटेंस, तो हीट कैसे यहाँ पे ट्रांसफर होती है। बच्चों ये पहले हम पढ़ेंगे वाटर वाला, फिर हम पढ़ेंगे एयर वाला। ठीक है, वाटर देन विल गो फॉर एयर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे चीज़ बताया गया कि आप यहाँ पे कोई भी एक राउंड ऐसे, यहाँ से मैं आता हूँ, ये जगह पे बेस्ट है। हाँ देखिए, चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का एक नया डेफिनेशन कह सकता है। उन्होंने कहा है कि आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ऐसा एक बीकर लीजिए, और बीकर के अंदर यहाँ पे जो है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, ये पोटेशियम परमैंगनेट को आप यहाँ पे रखिए। ठीक है, ये क्रिस्टल है इसका, क्रिस्टल देखिए मैं आपको ऊपर भी लिखा, ऊपर भी पढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पर पोटेशियम परमिशन लिखा हुआ है, ये देखिए पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये रहा पोटेशियम, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम, POW, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी कि आप जो भी पोटेशियम परमैंगनेट को डाल रहे हैं उसमें आपके पानी का बहाव हिलना नहीं चाहिए। बच्चों पानी एकदम स्टिल होना चाहिए। ठीक है, पानी अगर स्टिल होगी तो ही ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने वाली है। क्या कहा उन्होंने, किसी भी तरीके से उन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट को रख दिया और पानी को एकदम स्टिल रखा है। वो क्या देखते हैं कि जिस जगह पे हीट होती है, ठीक है, वहाँ से इमीडिएट क्या हो रही है, हीट ऊपर जा रही है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, वो कलर छोड़ता है। तो देख रहे हैं कि वाटर बिना हिलाए कुछ देर बाद वाटर ऑटोमेटिक क्या हो जा रही है, गर्म हो रही है। वो कैसे हो रही है उसको समझने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट रखा है, क्योंकि क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अपना कलर को जब रिलीज करेगी तो वो पैटर्न बनाएगा, हम समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है अंदर। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, जैसे ही हॉट एयर, जैसे ही ये पार्ट हॉट हुई, ये हॉट एयर ऊपर कोल्ड की तरफ रश की, और जैसे यहाँ पे जो जो साइड में कोल्ड एयर थी वो अंदर की तरफ आ गई, यानी कह सकते हैं कि हॉट एयर ऐसे गई और कोल्ड, ये जो जा रही है ये हॉट है और ये साइड से कोल्ड, ये अंदर फिर इसको वैकेंट प्लेस को रिप्लेस कर दी। यहाँ भी सेम, ये हॉट ऐसे करके यहाँ पे इस वैकेंट प्लेस को रिप्लेस कर, यानी ये पूरा सर्कल क्या चल रहा है, एक सर्कल ऐसे चल रहा है और दूसरा सर्कल ऐसे चल रहा है, और ये कंटिन्यूस हम देखा जाए तो ये कंटिन्यूस क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस ऐसे गोल 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 फ्लो कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोल्ड है वो जल्दी से जल्दी हॉट वाले एरिया पे चली जाती है और हॉट वाली चीज़ें कोल्ड की तरफ चली जाती है। यानी यहाँ पे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है द हॉट वाटर राइजेस अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेस। ये भी वाटर भी जो आया था अभी साइड से वो भी क्या हो गया, वो भी हॉट हो गया और वो भी नीचे आके उस जगह पे, वो भी हॉट आके वो भी ऊपर चला गया और फिर से नई जो ठंडी हवा थी, वो ठंडी पानी थी वो भी आ गई। इट इज़ लाइक आप ऐसा प्रोसेस कह सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस एक प्रोसेस ऐसा चल रहा है कि जो हॉट है वो जा रही है कोल्ड की तरफ,
और जो कोल्ड है वो आ रही है हॉट की तरफ। अब ये जो कोल्ड आके यहाँ पे फिर हॉट हो जा रही है, ये फिर से कोल्ड में जा रही है, तो ये कंटिन्यूस लूप में काम घूम रहा है। और इस तरह से देखते देखते हमने बिना हिलाए, बिना बीकर को स्टर किए, बिना बीकर को किसी चीज़ के घोलने के बिना बावजूद भी ऐसे दूध और आपके कोई भी लिक्विड इसी तरीके से उबल में आ जाती है या फिर बॉइलिंग में आ जाती है या फिर गर्म हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन, इसे कहते हैं कन्वेक्शन। इस ये जो मेथड है, ये हीटिंग का जो मेथड है जो ऑटोमेटिक खुद से होता है सर्कुलर प्रोसेस में, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो जो बर्नर के पास जो वाटर है या बर्नर के पास जो इमीडिएट लिक्विड है वो हॉट होके ऊपर जाती है और साइड से जो भी कोल्ड लिक्विड है वो अंदर हॉट की तरफ आती है। वो लिक्विड जो ठंडी थी वो फिर से हॉट होके ऊपर जाती है और फिर साइड से और बाकी ठंडी लिक्विड नीचे उसी जगह पे आती है। तो ये करती है कंटिन्यूस प्रोसेस में, करते करते क्या होती है, ये डायरेक्टली हमारा पूरे लिक्विड को गर्म या बॉइलिंग पॉइंट में लेके आती है। ठीक है, दिस ये हम लोग का सेम चीज़ है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एक और चीज़ एग्जांपल दिया है। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा है कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट सच में समझना है और आपको ये फील करना है, व्हाट यू कैन डू, मैं इसको ब्लू पे में दिखा रहा हूँ। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपने एक कैंडल लिया है, ठीक है, अब कैंडल के पास आप अपने अपना मान लीजिए लेफ्ट हैंड रखा है आपने और कैंडल के ऊपर आपने अपना राइट हैंड रखा है। तो जैसे हमने कहा था कि कैंडल के जस्ट ऊपर जो वार्म एयर है वो वार्म एयर क्या करेगी, ऊपर जाएगी। तो जब वार्म एयर ऊपर जाएगी तो आपको इस हाथ में आपको वार्म लगेगा, राइट हैंड आपको वार्म लगेगा जो कि ऊपर है, जबकि जो लेफ्ट हैंड जो साइड में है वहाँ से क्या करेगी, वहाँ से कोल्ड एयर रश इन करेगी, वो आपके इस जगह यानी ये कंप्लीट जगह पे ऐसे सर्कल बनने वाली, राइट, यानी ऊपर जा रही है हॉट एयर और साइड से आ रही है आपकी कोल्ड एयर, तो आपके जो लेफ्ट हैंड है वो वार्म फील नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है जो हमने अभी पढ़ा कि जब आपके जब बर्नर या कोई भी हीटिंग ऑब्जेक्ट आती है तो वो हीटिंग ऑब्जेक्ट क्या करती है, उसके ऊपर वाली, जस्ट उसके ऊपर वाली एयर को रिप्लेस करने के लिए वो कोल्ड पार्ट की तरफ दौड़ती है और साइड से जो कोल्ड पार्ट है वो हॉट पार्ट में आकर रिप्लेस कर जाती है। सो ये वो चीज़ है जो आपको समझनी थी, ये है वो चीज़ जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, हमने ये कन्वेक्शन टॉपिक इसीलिए पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको कहता है वो ये है, देखिए यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ बताई गई है जिसे हम बहुत इंटरेस्टली समझेंगे लेकिन डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो जब तक डायग्रामेटिक नहीं आएगा मैं इसको आपको चीज़ समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि जो कोस्टल एरिया यानी समुद्र के पास जो एरिया है वहाँ पे खिड़की हमेशा समुद्र की तरफ फेस करके क्यों रखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने जाते हैं, कोई भी बीच वगैरह जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि सी फेसिंग जो रूम है वो लेंगे और सबसे कॉस्टली भी वही होता है। तो सी फेसिंग रूम मिलने का फ़ायदा क्या है, वो क्यों लेते हैं ऐसे और वो कॉस्टली क्यों होते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है स्पेसिफिकली ये कोस्टल एरिया में, इसके बारे में ये पूरे पैराग्राफ में बताई गई है। देखिए बच्चों क्या होता है, इस डायग्राम को यहाँ पढ़ने से पहले इसको मैं नीचे एक बार आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सुबह के टाइम पे क्या होता है, सुबह के टाइम पे आप जब इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, सुबह के टाइम पे जो आपकी लैंड जो होती है वो बहुत गर्म होती है। ठीक है, जल्दी से धूप के कारण लैंड गर्म होती है और जो वाटर होती है वो लेस यानी धीरे 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 गर्म होती है। तो जब लैंड काफ़ी क्विकली गर्म होती है तो वो क्या करती है, ऊपर का जो एयर होता है लैंड के जस्ट ऊपर वाला एयर वो कोल्डर की तरफ जाता है। ठीक है, तो कोल्डर की तरफ जाता है मतलब टूवर्ड्स सी की तरफ जाता है और सी का जो ठंडा हवा है वो यहाँ पे आके क्या करता है, अपने आप को रिप्लेस करता है। यानी ये सर्किल कुछ इस तरह से जो नीचे डायग्राम में दिया है कि हॉट एयर जाती है टूवर्ड्स द सी और सी के ऊपर जो कोल्ड एयर है वो आती है टूवर्ड्स द लैंड, तो इसे हम कहते हैं सी बीच। सी बीच क्यों, क्योंकि समुद्र की ठंडी हवा हमारी लैंड की तरफ आ रही है। देखिए यहाँ पे जो विंडोज है इस घर में, ये विंडो में वो ठंडी हवा घुसेगी, इसलिए हम कहते हैं सी बीच। सी बीच का मतलब होता है कि ठंडी हवा सुबह के टाइम पे, दिन के समय सुबह समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवा है वो ठंडी हवा लैंड पे आ रही है और लैंड जो जल्दी गर्म हो रही है वो अपने हवा को कोल्डर रीजन में लेके जा रही है और ये सर्कुलर एक ट्रैक बना रही है। लेकिन रात को क्या होता है बच्चों, रात को इसका जस्ट रिवर्स होता है। रात को रिवर्स कैसे होता है, क्योंकि हमें यहाँ पता था कि लैंड जल्दी ठंडी भी होती है जबकि वाटर बहुत टाइम लेती है ठंडी होने में। तो इसका मतलब क्या, जब रात हो गई, रात होते होते वाटर का ऊपर का जो एयर है
वो गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि वाटर को ठंड होने में थोड़ा टाइम लगती है। तो ये क्या करती है, ये अब टुवर्ड्स लैंड अपने हॉट एयर को भेज देती है, क्योंकि लैंड में जो बालू वगैरह हैं, जो रेत वगैरह हैं, वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये क्या करती है, ये अपना जो हॉट एयर है सी के ऊपर का जो हॉट एयर, ये अपने लैंड में भेजती है, और लैंड क्या करता है अपना कूल एयर सी की तरफ भेजता है। तो सुबह का प्रोसेस और रात का प्रोसेस बहुत इस तरह सब समझिए कि अगर ये डे टाइम है और यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे आपका सी है और यहाँ पे आपका लैंड है, तो डे टाइम में क्या हो रहा है, डे टाइम में लैंड से आपका हॉटनेस जा रहा है और सी से आपका कोल्डनेस आ रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं इसको बोल दूँ नाइट टाइम पे, वही मैं अगर इसको बोल दूँ नाइट टाइम पे, नाइट टाइम पे क्या हो रहा है, इसको कहते हैं नाइट टाइम पे, एकदम रात को, रात को ये भी सी है और ये लैंड है, रात को क्या हो रही है सी में, रीज़न क्या है, क्योंकि सी का पानी थोड़ा लेट से ठंडा होता है और लैंड जल्दी ठंडी होती है, तो सी के पास अभी हॉट है, वो हॉट को इस साइड भेज रही है और लैंड अपना कोल्ड चीज़ भेज रहा है। इसे कहते हैं सी ब्रिज, इसे कहते हैं सी बी आर डबल ए जेड ई ब्रिज, और इसे कहते हैं लैंड ब्रिज। मैं आशा करता हूँ आपको ये सी ब्रिज लैंड ब्रिज अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। व्हाट इज सी ब्रिज, व्हाट इज लैंड ब्रिज, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम चुपसी से ऊपर पढ़े थे। ये तो हो गई चीज़ें नॉर्मल जो हमने चीज़ें पढ़ी थी अभी, ठीक है। चलिए ऊपर देख लेते एक बार, फिर से रीडिंग कर लेते इस चीज़ को ताकि आपको समझ में आए जो मैंने कहा। देखिए लिखा है, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन ड्यूरिंग द डे, द लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। लैंड जो है वो वाटर से जल्दी गर्म होता है, द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। तो एयर, ये जो मैंने कहा वही है, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इट टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, दिस इज नोन एज सी ब्रिज। इसीलिए द विंडोज ऑफ द हाउसेस ऑफ कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी, whereas at night it is exactly the reverse, the water cools down more slowly than the land, ठीक है। so the cool air from the land moves toward the sea, this is called the land breeze, यानी ठंडी हवा। यहाँ पे land breeze, sea breeze रखने का एकदम जब से बेस्ट तरीका है कि ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, मॉर्निंग में ठंडी हवा सी से आ रही है तो सी ब्रिज, रात को ठंडी हवा लैंड से आ रही है तो लैंड ब्रिज। या देखिएगा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ से ठंडी हवा आ रही है मॉर्निंग के टाइम पे, ठंडी हवा कहाँ से आएगी, सी से आएगी, इसे कहते हैं सी ब्रिज। उसी तरह रात को ठंडी हवा लैंड से आएगी तो उसे कहते हैं लैंड ब्रिज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हमारे। अभी चीज़ आता है यहाँ पे कि हमने एक चीज़ देख लिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट पूछा है कि अभी तो हमने देख लिया, व्हेन वी कम आउट ऑफ द सन वी फील वार्म, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस। क्वेश्चन ये है कि सन, अभी तो हमने जो भी चीज़ देख लिया एयर के मीडियम से काम हो रहा था, लेकिन सन की जो रोशनी है वो हमारे तरफ कैसे आती है, बिकॉज इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और कन्वेंशन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस। स्पेस में, हमारे अर्थ के अंदर भले ही एयर बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेस में तो कुछ ऐसा है ही नहीं ना। स्पेस में क्या है, स्पेस में तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो अगर स्पेस में ऐसा चीज़ नहीं है तो हम लोग कैसे इस वार्म चीज़ को, यानी सन की जो वार्मनेस है उसको हम कैसे एब्जॉर्व करते हैं या कैसे हमें वो गर्मी लगती है, ठीक है। बिकॉज कंडक्शन कन्वेक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है, रीज़न मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि हम लोग के अर्थ के अंदर तो एयर है मीडियम की तरह, लेकिन अर्थ तक पहुंचने के लिए जो स्पेस में जो बिटवीन मीडियम, वहां पे कुछ भी मीडियम नहीं है। स्पेस और अर्थ के बीच में, यानी सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है, वहां पे यूनिवर्स में जो स्पेस है वहां पे कोई भी मीडियम तो नहीं है। तो वहां पे जो यूज़ होती है सिस्टम, उसे हम कहते हैं रेडिएशन। बच्चों रेडिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो ये कहती है कि रेडिएशन करने के लिए आपको किसी भी माध्यम या मीडियम की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर रूम हीटर के सामने बैठे हो, रूम हीटर कहीं और चल रही है, लेकिन मान लीजिए काफ़ी दूर बैठ चल रही है, लेकिन आप उस गर्मी को महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से जब आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है, सपोज आप मान लीजिए जिम में काम कर रहे हैं या कोई भी आप ऐसी काम कर रहे हैं जहाँ पर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पसीने पसने या फिर हीट को रिलीज़ कर रही है, तो आप भी सराउंडिंग में हीट को रिलीज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, जहाँ पर आपकी मीडियम की ज़रूरत होती नहीं है। रेडिएशन ये नहीं कहता कि उसको मीडियम नहीं चाहिए, रेडिएशन ये कहता है कि मीडियम हो या ना हो, फिर भी हम बॉडी से हीट को रेडिएट कर सकते हैं,
यहाँ पे वही लिखा है, इट कैन डू वेदर इट इज मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, मीडियम भले हो या ना हो इसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये वो लिखा है। इसी तरह लिखा है, ये जो आपका हो गया कि सन से हमें कैसी, ये सन वाला टॉपिक था कि सन से हमें कैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन, तो सन से नहीं हो सकता, हम सन से कैसे हीट को लेते हैं, दैट इज बाय द रेडिएशन। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमेशा याद रखिएगा, जब ये रेडिएशन होती है, जब भी कोई सन रे, जब भी कोई सूरज की रोशनी या कोई भी गर्म चीज़ या कोई भी आप बोल सकते हैं कोई भी वार्म चीज़ कोई ऑब्जेक्ट पे गिरती है, तो वहाँ से तीन चीज़ पॉसिबल है, उस ऑब्जेक्ट से तीन चीज़ पॉसिबल है। एक कि वो ऑब्जेक्ट या तो उसको ऑब्जर्व कर ले, यानी वो हीट को ट्रैप कर ले अपने अंदर, ऑब्जर्व कर ले, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं एब्जॉर्ब, माफ़ कीजिएगा मैं वहाँ गलत बोला, ऑब्जर्व नहीं एब्जॉर्ब, एब्जॉर्व कर ले, एक तो वो एब्जॉर्व कर ले, एक तरीका ये है। दूसरा वो कर ले उसको, या तो उसको ट्रांसमिट कर ले, यानी ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज दे, या तीसरा वो उसको रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है, यही तीन चीज़ पॉसिबल होती है। वहाँ पे लिखा है कि व्हेन ए हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट इट इज़ रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट इज एब्जॉर्व एंड ए पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। एक या तो एब्जॉर्व होगी, एक ट्रांसमिट होगी, और दूसरा नहीं, एक एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी, दूसरा ट्रांसमिट होगी, और तीसरा रिफ्लेक्ट होगी। इनमें से एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट कंपलसरी है, ट्रांसमिट हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती। ट्रांसमिट अगर होगी तो कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन और कंडक्शन या रेडिएशन। ट्रांसमिट कैसे होगी, कन्वेक्शन से, कंडक्शन से या रेडिएशन से। ये तीस जो टॉपिक हमने पढ़ा, लेकिन इसके अलावा ऊपर जो थे वो एब्जॉर्प्शन और रेडी और रिफ्लेक्शन, इसी के ऊपर बेस करके हमारे ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन है कि गर्मी के दिन पे हमें ठंडी चीज़ें, या गर्मी के दिन पे हम जो ठंडी चीज़ें खाते हैं, उसी तरह से हम जो लाइट कलर का ड्रेस क्यों पहनते हैं, गर्मी के दिन हमें लाइट कलर का ड्रेस पहनने को क्यों कहा जाता है, और ठंडी के दिन में हमें डीप कलर का ड्रेस पहनने के लिए क्यों कहा जाता है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, ये एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हैं तो भी आप समझ पाएंगे। एक्सपेरिमेंट में आपको एक बार ओरली बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि एक टिन लीजिए, ये टिन लीजिए एक, इसको ब्लैक से पेंट कीजिए, और एक टिन लीजिए उसको वाइट से पेंट कीजिए। दोपहर के टाइम पे दोनों को पेंट किए हुए, अंदर कुछ नहीं है, टिन को आप दोनों टिन कैन को बाहर रख दीजिए दोपहर के टाइम पे, और देखिए कौन सा आधे घंटे के बाद गर्म होता है। आप देखेंगे जो ब्लैक है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जबकि वाइट गर्म नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ब्लैक क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा, रिफ्लेक्ट करता है कम। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ब्लैक जो है वो एब्जॉर्ब करता है मोर, एब्जॉर्ब करता है मोर और रिफ्लेक्ट करता है लेस, जबकि वाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है मोर और एब्जॉर्ब करता है लेस। ठीक है, अब यही रीज़न को अगर आप नोटिस करके देखेंगे, यही कारण है कि हम हमारे गर्मी के टाइम पे लाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि लाइट कपड़े से क्या होती है, जो हीट की रोशनी, जो हीट होती है वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है और हमारे अंदर ट्रैप नहीं रहती, यानी वो एब्जॉर्ब नहीं करती है। जबकि गर्मी के दिन, जबकि ठंडी के दिन पे, माफ़ कीजिएगा, ठंडी के दिन पे हम काला कपड़ा इसलिए पहनते हैं क्योंकि काला कपड़ा कहीं ना कहीं हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और कम से कम रिफ्लेक्ट करती है। यही वो चीज़ है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे वो लिखा है, देखिए, द डार्क कलर डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद द डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर, वेयर एज लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरे बच्चों, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पूछा गया है, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को खुद एक बार अटेम्प्ट करने के लिए, मैं इसको सॉल्व करूंगा फिर भी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ बताया गया कि ये तो हो गए दो तरह के कपड़े, एक हो गया कॉटन कपड़े, एक हो गया आपके ब्लैक कपड़े। अब बोला है कि ऊलन कपड़े में ऐसा क्या है कि ऊलन कपड़े में हमें गर्मी आती है, क्योंकि बच्चों ऊलन कपड़ों में दो ऊल के जो फाइबर्स हमने पढ़ा है, राइट, फाइबर और फैब्रिक जो हमने टॉपिक पढ़ा था, उसे पता है कि यहाँ पे जो हमारे यार्न होते हैं, इस यार्न के बीच में काफ़ी सारे गैप्स होते हैं, इन गैप के बीच में क्या होता है, हीट आके ट्रैप हो जाती है, हीट आके ट्रैप हो जाती है। तो हीट जब ट्रैप हो जाती है तो अंदर बॉडी से और हीट बाहर निकल नहीं पाती। ध्यान सुनिएगा,
इन दोनों यान के बीच में, ऊल के जो डिफरेंट डिफरेंट यार्न्स होते हैं उन यार्न्स के बीच में आके हीट ट्रैप हो जाती है और अंदर से हमारी बॉडी की हीट को बाहर रेडिएट करने से रोकती है। इसी कारण हमें ऊल कपड़े में गर्मी ज़्यादा लगती है और आप ठंडी के दिन में ऊली कपड़ा पहनते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इसी बेसिस पे। यहाँ बताया गया, मान लीजिए कि आप एक होटल में गए, मैं इसको एज ए स्टोरी बता रहा हूँ, आपको होटल में, आपको पता है टेम्परेचर बहुत कम है, आपको दो ऑप्शन दिया आता है, एक तो आप थिक थिक ब्लैंकेट लीजिए, एक तो आप थिक ब्लैंकेट लीजिए एक सिंगल पीस, या तो आपको दो थिन ब्लैंकेट लेने को मिलेगा। एक है थिक ब्लैंकेट और एक होता है थिन ब्लैंकेट, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा पतला है, दो बातें बहुत पतले पतले हैं और एक मोटा वाला है, आप कौन सा लेंगे? ठीक है, मान लीजिए ये ब्लैंकेट इस तरह है, इतनी मोटी मोटी ब्लैंकेट है ये वाली, और यहाँ पे ब्लैंकेट मान लीजिए ऐसी है, दो, एक है B1 और यहाँ पे दो, और आप दोनों को यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा इस पे से गर्मी ज़्यादा देगा? कोशिश कीजिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका आंसर अभी बताने वाला हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज कीजिए अभी और कमेंट में मुझे आंसर बताइए कि कौन सा ज़्यादा गर्मी देगा, ठीक है, उसके बाद हम आंसर को आप डिस्क्लोज करेंगे। बेटा इसका आंसर है ये वाला, टू ब्लैंकेट आपको ज़्यादा गर्मी देगा, बिकॉज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो ब्लैंकेट की पहली बात है, ये ब्लैंकेट तो अपना हीट को ट्रैप करेगा, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन इसके बीच का जो गैप है ना बच्चों, ये गैप भी बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेगा। याद देखिए यहाँ पे हिंट भी दिया गया है, सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर टू यूज इधर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर, आप कौन सा चूज करोगे? मैंने बुक का क्वेश्चन आपको बताया है, रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट्स, ये रहा ये जो एयर है, यहाँ भी जो एयर है, यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको गर्म हवा रुके, माने सोचिए आपके बॉडी का हीट, ये आपका बॉडी है राइट, ये आपका बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक ब्लैंकेट है, ठीक है, इस ब्लैंकेट के बीच में हीट ट्रैप है, ये ब्लैंकेट भी हीट ट्रैप कर रही है, उसके ऊपर यहाँ पे एक और हीट ट्रैप जो कि आपका जो फ्री स्पेस है दो ब्लैंकेट के बीच में, और उसके ऊपर ये एक और ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट वन, ये ब्लैंकेट टू, दो यानी चार जगह पे हीट ट्रैप हो रही है कि नहीं? तो इसी तरह से हम ये आंसर को चूज कर सकते हैं। बच्चों तुरंत बैठिए इस वीडियो को देखने के बाद, अगर लगे वीडियो को ज़रूर एक और बार देखिए, देखने के बाद मुझे बताइए कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी, कोई भी इम्प्रूवमेंट कोई भी चीज़ें आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, आप कमेंट में बताएंगे तो मैं और भी अच्छे से अपने आपको इम्प्रूव कर पाऊँगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नई वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे, आप दोस्तों के बीच में अपने ग्रुप में भी ज़रूर अपने सोशल मीडिया साइट से भी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी वीडियो को देखे बेनिफिटेड हो, और लाइक करना वीडियोस को ना भूलें। बच्चों इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस भी हैं, आप मेरे चैनल में विजिट करके भी उसको देख सकते हैं, आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स को लाता रहूँगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।